अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास से कई चौकियों व थानों को लाभ मिलने वाला है। इसमें मनिकवार, खटखरी, गगेओ, रघुनाथगंज, रामपुर, लालगांव, सोनौरी, शाहपुर, चचाई, पटेहरा, हड़हाई, बीरपुर सहित अन्य चौकियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लौर, शाहपुर सहित अन्य थानों में भी बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु विभागीय अधिकारी कवायद में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के थानों व पुलिस चौकियों में पंचायत की मदद से बाउंड्री वॉल शौचालय निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पत्र संबंधित जनपद मुख्यालयों को भेजा गया है। प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। बाउंड्री वॉल बनने के बाद पूरा परिसर सुरक्षित हो जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थानों और पुलिस चौकियों में खेल के लिए भी स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए परिसर में अलग से व्यवस्था करवाई जाएगी। इसे पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी लाभ उठाएंगे। जो युवक विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको फिटनेस के साथ पुलिसकर्मी अन्य जानकारी भी देंगे। मनिकवार चौकी में फिलहाल वॉलीबॉल के लिए मैदान बनवाया गया है। अन्य खेलों के हिसाब से भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के थाने एवं चौकियों में वहां पर वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया गया और जिला पंचायत के सहयोग से इसको संचालित किया गया। इसी प्रकार इसी क्रम में उन पेड़ों को बचाने के लिए तथा थाने की सुरक्षा हेतु भी बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए जिला पंचायत से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस क्रम में काफ़ी जगह पर अभी काम प्रारंभ हो चुका है, कुछ जगह पर अभी काम प्रारंभ होना शेष है। इसके चलते एक तो स्थल सुरक्षित रहेगा, प्लस उसमें लगने वाले इतने पेड़ हैं हमारे, वो भी सुरक्षित बने रहेंगे। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.